अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार, क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुलाकर उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिले। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारे सेहत का ख्याल रखो। नंबर दो, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली, किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा?